वेलकम गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे दांत में पस पड़ने के बारे में। बहुत से भाई बहन हमारे परेशान रहते हैं कि उनके दांत में बार बार पस पड़ता रहता है। तो दांत में जो पस पड़ता है वो क्यों पड़ता है, किस तरह से पड़ता है, कैसे पड़ता है और उसकी क्या वजह है, क्या उसका ट्रीटमेंट है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को जो है लास्ट तक देखना है आपको, और हमारे जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको बताते हैं कि पस कैसे बनता है, कहाँ बनता है, किस एरिया में बनता है, कैसे बनता है, ठीक है। तो जो पस है, पस बनने की जो एक प्रोसेस है, इसको साइंटिफिकली हम कहते हैं एब्सिस। जो पस बन जाता है जिस जगह पर, तो पस बन के जो इकट्ठा हो गया उसे हम बोलते हैं एब्सिस। तो ये एब्सिस जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है मुंह के अंदर। एक होती है पेरियोपाइकल एब्सिस, एक होती है पेरियोडोंटल एब्सिस, एक होती है जिंजाइवल एब्सिस और एक होती है पेरिकोरोनाइटिस। तो ये चार तरह की होती है, इन चारों का ट्रीटमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट है। अगर पेरियोपाइकल एब्सिस है तो वो क्या है, पेरियोपाइकल एब्सिस ये होती है जैसे आपके दांत में कैविटी हुई, कैविटी इतनी डीप हो गई कि वो अंदर नसों तक चली गई, इतनी गहरी हो गई नसों तक गई दांत की और अंदर जड़ तक गई, जड़ की कैनाल से होते हुए वो जड़ के निचले वाले हिस्से में चली गई जहां पर हड्डी होती है, और वहां पर जाकर के इन्फेक्शन किया। जब इन्फेक्शन इकट्ठा होता रहा तो वहां पस बनता रहा। बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैकेनिज्म होती है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जगह पर, ठीक है, कुछ सेल्स भेजती है, तो वो सेल्स वहां पर जो डेड हो जाती है वो पस बना लेती है, ठीक है। अब जो सेल्स वहां पर डेड है, जो पस बन गया है, ठीक है, तो वो दिक्कत देने लगता है, वो दर्द करता है पेशेंट को, खाने पीने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। तो और अगर ये पस जो है वो इतना ज्यादा बन गया कि बॉडी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, तो वो किसी तरह से उसको ड्रेन करने की कोशिश करती है बॉडी। तो क्या होता है कि दांत के नीचे जो है मसूड़े में पिंपल सा बन जाता है और उसमें एक छेद हो जाता है, एक होल हो जाता है, जिसके जरिए से पस बाहर निकलने लगता है, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है ये साइनस कहलाती है, साइनस बन जाता है, साइनस ट्रैक बन गया कि, ठीक है। तो ये जो है अब ये सही नहीं होगा, दवाइयां कितनी भी खाते रहें, साल भर दवाइयां खा लें, लेकिन सही नहीं होगा। ये सभी सही कब होगा, जब आपके दांत को एक एग्जैक्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। वो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट क्या है इसका, वो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट है आरसीटी। जब तक आरसीटी नहीं होगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि दांत में बहुत ज़्यादा पस हो गया है जिसकी वजह से दांत हिलने लगा, और बहुत ज़्यादा हिलने लगा, कम हिल रहा है, उसमें कम मोबिलिटी है, तो वो जो है दांत को बचाया जा सकता है आरसीटी करके। और अगर बहुत ज़्यादा है, ग्रेड टू के ऊपर से ली गई मोबिलिटी, तो तब जो है दांत को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर ऐसे में दांत को निकालना पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं हम पेरियोडोंटल एब्सिस पर। पेरियोडोंटल एब्सिस क्या होती है कि वो दांत से तो नहीं, वो दांत में नहीं होती है, वो मसूड़े में हो गई है, ठीक है, मसूड़े के अंदर हो गई है। वो कब होती है, जैसे आपके दांत के और मसूड़े के बीच में गंदगी जमा होती रही, वहाँ जगह बन गई, तो वहाँ पॉकेट बन जाता है, पॉकेट में जब गंदगी जमा होती रहेगी तो वहाँ पस बन जाता है। पस बन जाता है, वो पस जो है दिक्कत देता है, दर्द करता है और आसपास की हड्डी को घोलने लगता है, ठीक है। और कभी कभी ये जो है दांत की जड़ तक भी फैल जाता है, ठीक है। अगर ये दांत तक नहीं फैला है तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि वहाँ से क्योरेट किया जाता है, उसको सफाई किया जाता है, वहाँ से पस को ड्रेन किया जाता है और मेडिसिन दी जाती है और ठीक हो जाता है, ठीक है। पेरियोडोंटल सर्जरी भी होती है, अगर सर्जरी की जरूरत हो सर्जरी से उसको ठीक किया जाता है, ठीक। और अगर दांत का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, अगर दांत भी इन्वॉल्व हो गया, तो उसकी आरसीटी की जाएगी, तब जाकर के आपका दांत बचेगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आते हैं जिंजाइवल एब्सिस पर। जिंजाइवल एब्सिस ज्यादातर जो होती है वो ट्रोमा की वजह से हो जाती है। ट्रोमा कैसा, ट्रोमा कि कभी कभी क्या होता है, पेशेंट का खाना फंसा किसी वजह से, वहाँ जगह बनी और खाना फंसा, और पेशेंट क्या करता है, टूथपिक ली और उसको वहां से निकालने की कोशिश करता है, तो टूथपिक टूट करके वहां रह गई। जब वो वहां रह गई तो क्या होता है कि उस पेशेंट को दर्द होता है बहुत ज्यादा, फिर एक वो पेन किलर लेगा, लेकिन तब भी पेन जब तक दवाई का असर है दर्द रुका रहेगा, और फिर क्या होगा, एक दो दिन में वहां पर पस बन जाएगा। जब तक वो वहां से टूथपिक को निकाल नहीं देंगे तब तक उसको आराम नहीं मिलेगा। तो आप डेंटिस्ट के पास जाइए, डेंटिस्ट से कंसल्ट कीजिए, वो आपके वहाँ से जो टूटा हुआ पार्ट है वो निकाल देगा और मेडिसिन देगा, वहाँ से क्लीन कर देगा, तो आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से। और कभी कभी क्या होता है कि हम फिश खा रहे हैं, उसका कांटा वहाँ फंस गया कहीं पर मुँह के अंदर, तो वहाँ पर भी पस पड़ सकता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें, अगर ऐसा कुछ है तो फौरन अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें, खुद निकालने की कोशिश करना। अगर आप आसानी से निकाल पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं निकल रहा है तो आप फौरन डेंटिस्ट से कॉन्टेक्ट करें, कंसल्ट करें उनसे और उनसे निकलवाएं, ठीक है, वरना तो पस पड़ जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। अब आते हैं पेरिकोरोनाइटिस। पेरिकोरोनाइटिस क्या होता है,
ठीक है, ये जो है जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ दांतों पे या कुछ दाढ़ पे, जैसे ज्यादातर ये कैसे होता है अक्कल दाढ़ के साथ, अक्कल दाढ़ पर मसूड़ा आ गया ऊपर को, ठीक है, उसके ऊपर मसूड़ा चढ़ गया, अक्कल दाढ़ को ढक लिया, तो क्या होता है जब इस तरह से ढक लिया तो खाना उसके अंदर जा जाके फंसता रहता है और वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, और बैक्टीरिया की वजह से ही पस बनता है, ठीक। तो बैक्टीरिया जब ग्रोथ वहां हो गई है बहुत ज्यादा, ठीक, तो क्या होगा वहां पर पस बनने लगेगा। जब पस बन गया तो क्या करेंगे फिर वहां से डेंटिस्ट जो है वहां से क्यूरेट करेगा, उसको क्लीन करेगा और जरूरत पड़ी तो वो जो म्यूकोसा, जो मसूड़ा उसके ऊपर आया हुआ है उसको कट करके अलग कर देगा, ठीक है, और जो है इस तरह से आपको आराम मिल जाएगा, कुछ मेडिसिन दी जाएंगी उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। कुछ केसेस में अक्कलदार को निकालना भी पड़ सकता है, ठीक है, तो जैसा आपका डेंटिस्ट कहता है आप वैसा करिए। और कुछ केसेस में क्या होता है कि पस यहाँ से नीचे चिन से ड्रेन होता है, यहाँ पे होल बन जाता है, तो वो भी दांतों में इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, इधर भी होल हो जाता है वो भी दांत की वजह से इन्फेक्शन से हो सकता है, तो आप डेंटिस्ट से कंसल्ट कीजिए। अगर दांत में प्रॉब्लम है तो आपकी उस दांत की आरसीटी की जाएगी और दांत की आरसीटी करने के बाद विद इन अ वीक आपका ये सब हील कर जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आप फौरन अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये बहुत सरल भाषा में, आसान भाषा में समझाना आपको अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।